गांव की प्राकृतिक विशालकाय ताल को मिलेगी पहचान। डीएम सिंचाई विभाग दुगड्डा तैयार करेगा खरीक ताल के विश्लेषण की रिपोर्ट। देखिए पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तहसील जाखणीखाल के अंतर्गत खरीक गांव पहुंचकर गांव में बने प्राकृतिक विशालकाय ताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीक ताल में वाटर स्टिंग्रेशन, वाटर प्योरिटी, बरसात के मौसम में तालाब में वाटर लेवल की स्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाले भूभाव, बसावट की स्थिति जैसे तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खरीक ताल व इसके आसपास के क्षेत्र के ड्रोन सर्वे कराने को कहा है। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने खरीक गांव से महादेव चट्टी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के बीच की लगभग 6 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर पूरी की। महादेव चट्टी से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तालाब गांव में प्राकृतिक रूप से बने 3 तालाबों के समूह को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह खरीक गांव की यह रमणीक जगह पर्यटक हब बन सकती है। कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल पर्यटन असीम संभावनाओं को समेटे हुए। इस डिप्रेशन, इसके बाद वाला जो डिप्रेशन है उसमें थोड़ा है, उधर से भी जा रहा है और इस राइट से भी। तो आप बताओ सब राठौर, तुम लोगों ने मेरे कहने के बाद क्या सर्वे किया था लास्ट में? कह रहा हूँ कि इस जगह जो पानी आता है इन दो मेन कैचमेंट से आ रहा है, तो थर्ड आपको यहाँ से आता हो थोड़ा जी आती है ये जो डिप्रेशन इस जगह बनेगा ना, अगर हम बनाते हैं तो इसका क्या